बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही धनबाद जिला प्रशासन ने भी मुख्यमंत्री रघुवर दास के जोहार जनाशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी। एक तरफ भाजपाई यात्रा के दौरान अधिक से अधिक भीड़ जुटाने की जुगत में लगे हैं, तो पुलिस प्रशासन की चिंता यात्रा के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल की है। यात्रा के दौरान ट्रैफिक जाम होने की स्थिति में आम लोगों को परेशानी हो सकती है। इसके मद्देनजर रविवार को छुट्टी के दिन उपायुक्त अमित कुमार ने जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की यात्रा 16 और 17 अक्टूबर को धनबाद में प्रस्तावित है। वहीं बीजेपी की बैठक में यह तय किया गया कि 25 से 30 हजार की संख्या में कार्यकर्ता सीएम का स्वागत करेंगे। सीएम का स्वागत बीजेपी के विधायक दुल्लू महतो कपूरिया मोड़ पर करेंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी कर रहे हैं, जोश भरने का एक सिस्टम बना रहे हैं। यहाँ भी 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी का आगमन है, जिसको लेकर एक यहाँ अहम बैठक चल रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं का। विधायक दुल्लू महतो जी खुद मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या तैयारी चल रही है और किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। सबसे पहले विधायक जी बताएंगे ये जो कार्यक्रम 17 तारीख का है, इसमें क्या तैयारी क्या चल रहा है? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जब बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में आगमन होगा उनका, तो उस समय कपूरिया से लेकर महुदा बाजार, भुरुंगिया, महुदा मोड़, पिपराटांड, नावागढ़, खरखरी, मधुबन, सोनाडी, सीनीडी होते हुए कतरास बाजार भगत सिंह चौक, हम लोगों ने जीएनएम हाई स्कूल ग्राउंड में सभा का आयोजन का निर्णय लिए हैं और वहां से फिर सभा होने के बाद उनके नेतृत्व में ही हम लोग फिर पुनः वहां से यात्रा का प्रारंभ करेंगे और फिर वहां से लेकर भगत सिंह चौक होते हुए, राहुल चौक होते हुए, श्यामडी होते हुए, बेहरा कुदर, लेढ़ी डुमर होते हुए, झगराही होते हुए, सिंधवा टाँड दरदा होते हुए, आपका मुराइडी होते हुए, हरना होते हुए, खोदोबेली होते हुए, डुमरा होते हुए, फिर हम लोग हरना होते हुए सीधा उनको हम लोग टुंडी में, कहा जाए तो बाघमारा के गली गली घूमने का प्लान है? नहीं, गली गली नहीं, बाघमारा के मेन रोड पर जहाँ पे असुविधा ना हो, क्योंकि हजारों हजार के संख्या में यहाँ पे बाइक सवार पे हमारे कार्यकर्ता होंगे। झारखंड में 65 पार का नारा भाजपा को, ये भाजपा द्वारा दिया जा रहा है, बाघमारा से इस 65 पार के नारे में कितना सहयोग मिलने वाला है? देखिए, बाघमारा से हम कह सकते हैं कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से आसपास के कई विधानसभा प्रभावित होता है और बाघमारा हम लोग चाहते भी हैं कि बाघमारा के माध्यम से हम लोग और अगल बगल विधानसभा क्षेत्र में भी जो थोड़ा बहुत अगर कोई कमी बेसी है तो उसको हम लोग पूरा करके पाट कर भारतीय जनता पार्टी के झोली में धनबाद का 6 सीट हम लोग देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने के लिए लोग तैयार हैं और मुझे पूरा विश्वास है 65 पार निश्चित तौर पर होगा और माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी फिर बनेंगे। चलिए, तो कहा जा सकता है कि दावा और वादा, दावा ये विपक्ष नगण्य है झारखंड में और वादा ये कि जिस तरह से 5 साल भाजपा सरकार द्वारा लोगों का विकास, जमीनी हकीकत का विकास होते आया है, आने वाले दिनों में भी डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार बाघमारा की जनता सहित झारखंड की जनता का विकास करेगी। बाघमारा से न्यूज 11 भारत के लिए अशोक कुमार।